आइए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं आज ग्राम कुंजला के अंदर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इसमें पब्लिकों ने काफी पब्लिक बैठी हुई है यहाँ पर। सर आप दो शब्द बोलिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती है और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शिक्षा के लिए इतना जागरूक किया है। थोड़े यहाँ खड़े हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शब्द कहे वो है शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आवाज तो तेज, थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज आवाज यहाँ तक आए। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 6 अप्रैल 1891 में हुआ था मऊ MP में और बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई थी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के द्वारा दी गई थी और 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत हो गया था। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न जो 1989 में दिया गया था, जो काफ़ी लेट समय में दिया गया था ना, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मोक्ष निर्माण है उसको चैत्र भूमि के नाम से जानते हैं जो महाराष्ट्र के अंदर है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर बोलिए दो शब्द आप। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में सबसे पहले मैं सादर प्रणाम करता हूँ एवं सभी बड़े बुजुर्गों को मैं सहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 130वीं जयंती पर उपस्थित हैं। जैसा कि हमारे वरिष्ठ अध्यापक श्री रामजी लाल जी ने उनके बारे में जीवन चरित्र के बारे में सब पहले से ही अवगत आपको करा दिया। हमारे भाई लोकेश जो काफी ब्रिलियंट मानता हूँ इनको मैं, जिन्होंने 30 कॉम्पिटिशन पास किए और अभी तक भी इन्होंने हार नहीं मानी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान को जीवन में कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराकर वापस नहीं मुड़ना चाहिए, जीवन के मोड़ पर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इस बीच श्री हरिवंश राय बच्चन जी की 2-4 कविता की लाइनें हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है उसे, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए भी नहीं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार की बात है, हमारे देश में
ब्रिटिश कमेटी कृषि मिशन भारत आया हुआ था। उस टाइम उस कमेटी ने सब नेता जो बड़े बड़े नेता थे उनके पास जाकर के देखा। रात की करीब 12 बजे देखा तो सब सोए हुए थे। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वार पे वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि रात 12 बजे भी वो किताबों के अध्ययन में लगे हुए थे। पर उन्होंने पूछा कृष्ण मिशन ने उनसे कि देखो इतने बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू वो सोए हुए और आप जगते, तो वो क्या कह रहे देखो कि उनका समाज जगा हुआ है लेकिन मेरा समाज जगा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा एक दिन आएगा जब मेरा समाज जरूर जागेगा और वो समय आप देखने वाले हो कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब भी जग उस पर हंसाए तब तक उसने इतिहास रचा है और आप देखने वाले हो इतिहास रचने वाले का नाम आपके सामने। एक प्रेरक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार छोटा हाथी था वो बड़ा शरारती था। उसको जैसे किसी खूंटी से बांधते उसको तोड़ देता, बार बार उसको तोड़ देता था। फिर उसने महावत ने क्या किया, उस हाथी के बच्चे को एक बड़ी बेरी ली जिसे आप शाकर कहते वो ली, उसको बांधना शुरू कर दिया। अब वो काफी उसको तोड़ने की कोशिश करता लेकिन टूटती नहीं थी। काफी प्रयास करने के बावजूद उसने क्या किया कि ये तो टूटती नहीं है, तो उसने किया कि कोशिश करना ही छोड़ दिया। अब उस हाथी बड़ा हो गया, उस महावत ने उस रस्सी के सहारे से उसको बांध दिया लेकिन वो कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करता। आप लोग समझ रहे हो इसका अर्थ, समझ रहे हो? इसका अर्थ यही है कि उसने संघर्ष करना छोड़ दिया। अपन क्या करते हैं, कभी से भी कंपटीशन की लाइन में टेस्ट पास कर लेते, दो तीन बार कर लेते हैं।